हम बात करेंगे बिल की। ये जो बिल आते हैं, एक टाइम था आदमी दिल से जीता था, आजकल बिल पे जी रहा है। हर चीज का बिल, मोबाइल का, गैस का, पानी का, बिजली का, पता नहीं किस किस चीज के बिल आते हैं। और बिल पाजी ऐसी चीज है, अगर आप सामने वाले को देते हो हाँ। तो बड़ा मजा आता है, लेकिन सामने वाला जब आपको देता है तो वो बिल सीधा दिल पे लगता है। आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि पानी भी बिका करेगा, लेकिन आज देख लो पानी बिक भी रहा है, लोग पी भी रहे हैं, लेकिन करे भी क्या, नल के पानी पे भरोसा नहीं रहा। ये हमारा दिनेश है ना गिटार वाला, ये देख लो नल का पानी पी पी के मुंह टूटी जैसा हो गया है। तो अच्छा, जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको कोई टेंशन होती, 5-star होटल में खाना खाते हैं, बिना देखे बिल साइन करते रहे। और सर, हम जैसे लोगों के घर में बिल आता ना तो रिएक्शन ऐसा होता है जैसे बिल नहीं आया, हार्ट अटैक आया। बिल आ गया अभी पिछले महीने तो आया, बिल आ गया, डरा होता है आम आदमी मेरे जैसा। अरे सबकी लाइफ में इतने बिल आते हैं कि लोगों ने अब बिल से बचने के लिए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए हैं। कोई रिश्तेदार के घर में जाता ना तो अंदर जाता है आदमी, बिल सुनो अपना 40 रुपए छुट्टे हैं, बाहर ऑटो वाला खड़ा उसको दे दो, मेरे पास 50 का बंदा है। आदमी भी जाता है गुस्से, जला भुना जाता है, बाहर जाके बोलता है अंकल मैं 92 रुपए दे के आया हूँ, वापस भी आपको वही लेके जाएगा, अभी 2 मिनट खराब हो जाइए, निकलिए। बड़े बड़े अजीब अजीब किस्से होते हैं, जैसे हमारा दिनेश है ना, ये 500 रुपए लेके जेब में तो गर्लफ्रेंड को घुमाने चला गया, उसने 400 रुपए का पिज्जा ऑर्डर कर दिया, बच्चा 100 रुपया, इसने पूरे मेन्यू में ढूंढा 100 रुपए का आएगा क्या, वहां पे एक ही अवेलेबल थी चीज, जूस 100 रुपए का, इसने अपने लिए जूस ऑर्डर कर दिया, इसकी गर्लफ्रेंड कहती है एक मेरे लिए भी, कहता फिर मेरे वाला कैंसिल कर दो। कहते कैंसिल क्यों करना है, कहते है एक, एक, एक गिलास में पियेंगे तो प्यार बढ़ता है। कहते दो दो मुंह वाले दो से क्या होता है, कहता दो से बिल बढ़ता है, पागल की बच्ची तेरे को नहीं पता। ये बात नहीं है कि सिद्धू भाई यहाँ पे बैठे हंसते हैं तो इनकी बिल की टेंशन नहीं होती, ये बिल की टेंशन सबसे ज्यादा लेते हैं। एक बार ये रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, सॉरी भाजी, एक बार रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो वेटर ने ला के जूस रख दिया, कहता मैंने नहीं मंगवाया, मैंने नहीं मंगवाया, कहता सर ये हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से फ्री में है, फ्री में है तो एक और ले आया। एक और ले आया, और एक काम कर छोड़े, ओ हेलो एक पॉलिथीन में डाल के दे, तेरी भाभी के लिए ले जाऊंगा, सॉरी। कई बार लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं ना तो एयर होस्टेस लेके आती है ट्रे खाने पीने का सामान, तो आदमी दूर से देख के ना खुद ही अपनी ट्रे खोल लेता है और इधर रुमाल डाल लेता है। जैसे एयर होस्टेस दूसरे से बात करी, सर यू हैड कॉफी, ओके 50 रुपए, इधर उसने सुन लिया कि अच्छा पैसे वाले, फिर ट्रे बंद कर देता है, सोने की एक्टिंग करने लगते हैं फिर कि हमें तो खाना ही कुछ नहीं। आजकल अस्पताल के बिल इतने आ जाते हैं कि लोग ब्लड प्रेशर चेक कराने जाता है कि लो हो रहा है, लो हो रहा है, जब बिल आता है तो ब्लड प्रेशर हाई होने की बीमारी हो जाती है उसको। कभी कभी आपको कोई चीज पसंद आ जाए, बहुत ज्यादा पसंद आ जाए, लेकिन उसका बिल सुनने के बाद ना वही चीज बुरी लगने लगती है। एक लेडी ऐसी साड़ी वाली शॉप में घुसी तो अपनी सहेली को बोली, सुनो रीटा वो साड़ी देख रही हो, यू नो प्रियंका चोपड़ा ने सेम पहनी थी, यू नो मेरे पे कितनी जचेगी, भैया ये पैक कर दो, कितने की है, कह रहे 70,000 की, रहने दो प्रियंका ने मैंने पहन कॉमन कर दी हुई है, रहने दो अच्छी भी नहीं लगेगी। पर बात यह है कि लोग बिल बचाते हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग बिल बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, कौन कौन से तरीके ईजाद करते हैं, हमारे सारे दर्शकों को पता चलना चाहिए ताकि उनके भी पैसे बचें। कोई है हमारा दोस्त जो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? हेलो कपिल, हाय। मेरा सबसे बड़ा सरदर है मेरी बीवी का मोबाइल का बिल, जब देखा तब वो घंटों मोबाइल पे लगी पड़ी होती है। किसके साथ? पता नहीं, अपने मायके वालों के साथ, दोस्तों के साथ। अच्छा, मायके में फोन करती रहती है? जी मायके में फोन करते रहती है हमेशा, अब मैं तो बोल बोल के थक गया, आप शायद ट्राई कर लीजिए, मायके वालों को फोन कटवा दो आप, ये अपने आप हट जाएंगी। जी वो कर चुके हैं, पड़ोसियों के फोन से यूज कर लेते हैं अभी। मतलब फोन जरूर करती हैं आप जी, या आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? थाना से, थाना से हैं, और आप? थाना से, तो मतलब मायके लोकल ही हैं, शुक्र करो अभी बीवी कहीं जलंधर से नहीं लेके आए आप, तो और बिल बनता आपका। तो आप मिस करती हैं अपने मायके? देखिए कपिल जी, इसके लिए मैं अपने हस्बैंड को ही जिम्मेदार समझती हूँ, क्योंकि शादी के पहले ये मुझसे घंटों बात क्या करते हैं। मैं बोलती थी अरे फोन रख दो, बिल आ रहा है, अरे तुम बिल की फिक्र क्यों कर रही हो, बिल भरने के लिए मैं हूँ ना। अच्छा, फिर आदत पड़ जाती है इंसान को, क्या शुरू शुरू में आदमी इंप्रेस करने के लिए बोलता, आप तो सीरियसली ले गई। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मैम आपसे, ये जो लड़कियां काफी देर तक फोन पे बात कर लेती, भगवान ने खास एक उनको तौफीक दी है, मतलब घंटों बात कर सकती बिना दूसरे का चेहरा देखे हुए, तो क्या बातें होती हैं वो, देश को लेकर समस्याएं कुछ आप शेयर करती हैं परिवार वालों से? औरतों के सर पे कितना सारा काम का और घर और बाहर सब संभालना रहता है, तो वही एक तरीका होता है कि हम अपना तकलीफ, हम अपनी तकलीफ भुलाते हैं गॉसिप करके। अच्छा, तो जो आप अपनी तकलीफ भुलाते हैं उस चक्कर में जो आपके पति को तकलीफ होती है उसका जिम्मेदार कौन है? अब
शादी किए इतना तो भुगतना पड़ेगा, बिल भुगते। तो भाई साहब एक बात बताइए, पहले आप क्यों शेर बनते थे ज्यादा कि अरे करो करो मैं दूंगा बिल? लव मैरिज हुई आपकी? जी नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हुई है तो उस समय आदमी शेर बनता है, चले ठीक है ना। तो अभी आपको सच्ची में परेशानी होती है काफी? जी सर बहुत परेशानी। कितना आ जाता है मंथली इनका बिल? सर 1.5-2 हज़ार तो आ ही जाता है। 1.5-2 हज़ार आता है तो फिर भी महंगा नहीं है, काफी प्यारी बीवी है आपकी। कोई बात नहीं, थोड़ा हौसला रखिए, सब ठीक होगा, सबके साथ होता है ऐसा। सर दूसरों की बीवी सबको प्यारी लगती है। आप किनके साथ आए यहाँ पे? सर मेरी पूरी फैमिली है सर, पूरी कजिन है यहाँ। और ये जो बगल में बैठे हैं सर, ये मेरे भाई साहब है। आपके बड़े भाई हैं? जी। और आप क्या करते हैं सर? मैं डॉक्टर हूँ। हाँ जी डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है आप? सर्जन है, फिजिशियन है? नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट है आप? तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ बट खास नहीं। अच्छा पहले खुल के बताने लगे थे फिर याद आया कि बीवी साथ में। हाँ नहीं खास नहीं। क्योंकि इनको भी बताया ना लोगों की फिजियोथेरेपी तो मैं कर दूंगा, मेरे को इन्होंने कुछ कर दिया तो मेरी कौन करेगा। तो खास नहीं होता, वैसे भी डॉक्टर लोग काफी पैसा कमाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बीवी फोन कर भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छी बीवियां हैं आपकी, प्यारी बीवियां, कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा दिल खुला रखिए। मेरी वाली बीवी अगर करे ना उस पर गुस्सा आएगा, एक तो मुंह लैंडलाइन जैसा, ऊपर से मोबाइल पे लगी रहे, उस पर गुस्सा करना बनता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच जी। और कोई हमारे दोस्त जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? जी भाई साहब। हाय कपिल सर। हाय सर, शादी से पहले मैं बैचलर था। सारी बैचलर होते हैं। ये तो वही बात हुई सब, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं बहुत छोटा सा था। शादी से पहले मैं सब बैचलर था, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन शादी के बाद बीवी का बिल बहुत ही आने लगा है। बीवी से शादी की कि बीवी का कनेक्शन लिया आपने? शादी की। शादी करने के बाद कैसे आता है, मैं समझा नहीं, बीवी का बिल कैसे आता है? शादी करने के बाद बीवी का बिल बहुत ही आने लगा है। तो बीवी मीटर वाली, मीटर लगा हुआ है। किस 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 चीज का बिल आता है बीवी का? यही खर्चा, लिपस्टिक खर्चा बढ़ते जा रहा है बीवी का। तो लिपस्टिक लगा, अच्छा तो वैसा आपका बिल, मोबाइल के बिल आता है। हाँ। लेकिन बीवी का बहुत ही खर्चा आता है, मेकअप वगैरह सबका, मेकअप खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा। प्रॉब्लम वही है ना, अगर मेकअप ना करें तब आप कहती हैं आज कैसी लग रही हो, अगर मेकअप करती फिर आपको बिल आ रहा है, आप चाहते क्या है? सर मैं यही चाहता हूँ कि ये सब बिल के झंझट खत्म करने के लिए शादी ही नहीं करवाई जाए। फिर आपका पेट्रोल का खर्चा बढ़ेगा, अगर शादी नहीं करोगे तो बाइक लेके फालतू में इधर उधर गेड़ियां मारोगे, उसका खर्चा आएगा। बीवी आपको नहीं कहती कि खुद तो ये टैटू वाले कपड़े पे खर्चा करते हो और मेरे मेकअप से प्रॉब्लम क्यों है? बीवी आई आपके साथ में? नहीं मैं अकेला हूँ सर। तभी खुल के इतना बोल रहे हो। नहीं तो वो देख लो, डॉक्टर होते हुए भी बेचारों की जुबान चली नहीं। हाँ होता नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या करते हैं भाई साहब? सर मैं इवेंट्स का काम करता हूँ। इवेंट्स का काम करते हैं? इवेंट्स का करता हूँ और कास्टिंग का भी थोड़ा देख लेता हूँ, कास्टिंग वगैरह। कास्टिंग काउच? नहीं कास्टिंग काउच नहीं, मेल फीमेल मॉडल्स कास्टिंग। अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू सो मच भाई साहब शो में आने के लिए। पर विक्टर शर्मा, विक्टर शर्मा, विक्टू शर्मा तुम ही हो? मैं ही, बताइए क्या काम है? मैं तुम्हारी बत्ती गुल करने आया हूँ। ये मोमबत्ती मेरी बत्ती गुल करेगी? लो वाह, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे हाँ पहचाना क्यों नहीं भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे ये वही है, वो डेड बॉडी वाले कमरे के बाहर जो ताला लगा होता है वही है ये। आपने मुझे पहचाना नहीं, ये बंदे होते जो अस्पताल में इंजेक्शन चूस के पेशेंट को बताते हैं भाई मीठे लगवा लो। ओ बिट्टू शर्मा, मैं इस एरिया का लाइन मैन हूँ। लाइन तो ठीक है, मैन कैसे बोला आपने? मैन का मतलब तंदुरुस्त, पढ़ा लिखा, खूबसूरत, तगड़ा आदमी। तुम मैन हो? तुम तो मैन से 40-50 किलोमीटर दूर हो। तुम ये बोलो कि मैन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ बोलो। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? यहाँ छोड़ो, मेरे को ये बताओ तुम दुनिया में क्यों आए, किसके कहने पे आए? किसने किए ये हरकत, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उस पर केस करूंगा। ये हरकत किसने की है? ये ऐसा कोई हाफ प्लेट बंदा पैदा करता है कोई? ये हुआ क्या है? हो गया, आपका हो गया। अब मेरी सुनो, मैं तुम्हारा बिजली का कनेक्शन काटने आया हूं। पहले तो बंदे आते थे कनेक्शन काट रहे, आजकल खंभे भेजने लगे। मेरा बिजली का कनेक्शन क्यों काट रहे हो भाई?
क्योंकि आपने 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। भाई इंडिया इतना बड़ा देश है, करोड़ों लोग बिल दे रहे हैं, एक आदमी नहीं देगा तो कोई कयामत थोड़ी ना आ जाएगी। कयामत नहीं आएगी, लेकिन आपके घर बिजली भी नहीं आएगी। तुरंत बिल भरो वरना कनेक्शन कट जाएगा। ध्यान से अपनी मुंडी ना काट लेना कहीं ऐसे करते। अरे भाई बड़ा बदतमीज आदमी है तू। एक शरीफ आदमी ने 3 महीने बिल ना जमा कराया तो उसका कनेक्शन काटने की धमकी दे रहा है। भाई की कोई मजबूरी हो सके? वाह क्या बात की है, देखा ये होती इंसानियत। और तुम तो इंसानियत का नाम का धब्बा हो, धब्बा धब्बा बड़ा होता है, मैं तो कहता हूँ दाग हो, दाग तो फिर भी अच्छे होते हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे को रोक लो, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। आप कौन बैठे भाई साहब? मैं तो भाई जी वाइटर सप्लाई से हूँ जी। अच्छा अच्छा, और आप? मैं गैस कंपनी से हूँ। कंपनी बोलो, गैस तो हम दे ही रहे हैं काफी आप में, गैस कंपनी। भाई साहब एक बात बताओ, अपने पानी का बिल 6 महीने से ना जमा कराया, हमने आपसे कोई बदतमीजी करी? नहीं सर बिल्कुल नहीं। देखो जी हमारी कंपनी की गैस पाइपलाइन है आपके घर में जी, 4 महीने से आपने बिल का एक पैसा नहीं दिया, हमने आपको कुछ कहा? नहीं बिल्कुल नहीं कहा। वो भाई साहब इसलिए ना कहे हमने क्योंकि बदतमीजी हमें शोभा ना देती, इसलिए हमने बड़ी शराब फंस जो ना बाहर से आपके गैस और पानी के कनेक्शन काट डाले। अगर बिल नहीं भरा ना तो पानी और गैस के बाद बिजली भी कट जाएगी। हाँ चलो। हाँ जी पाजी, किसी ने ठीक कहा, मुसीबत जब भी आती ना अकेले नहीं आती, हमेशा ग्रुप में आती यार। बिट्टू, ए बिट्टू, बिट्टू इस घर में हो क्या रहा है? दादी तू ये टिफिन लेके कहाँ जा रही है? hey! ये टिफिन नहीं है, लोटा है नालायक। और ये मत पूछना कि लोटा लेके मैं जा कर रही हूँ, तुझे पता बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, नल खोलो तो सिर्फ हवा निकल रहा है उसमें से। बस अब ये सोच ले कि हवा के साथ ही तुझे अपना जीवन धोना पड़ेगा, जीवन बिताना पड़ेगा क्योंकि पानी का कनेक्शन कट गया है। और तू बाथरूम थोड़ा कम जाया कर, जब भी तू बाथरूम जाती ना मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर पूछते हैं आपके घर में कोई सिलेंडर फट गया है? कुछ नहीं है। क्या ताली बजाते हो? इतना भी नहीं खाती मैं। हाँ जितना तू खाती तेरे को भी नहीं पता। पाजी वो जो रेसलर है ना अंडरटेकर, ये उसकी बहन है लंगरटेकर। वो राजू कह रहा था कि सुबह से कार में गैस नहीं आ रही, मैंने गैस वाले को बुलाया था, वो आया कि नहीं? आया था गैस वाला, गैस नहीं देख गया, सीधा जवाब देख गया वो, और थोड़ी देर रुको अभी बिजली का कनेक्शन भी कटने वाला है पूरा। तू बताएगा भी इस घर में हो क्या रहा है? यार मतलब ही लोग है यार, मैंने जरा सा बिल नहीं दिया कनेक्शन काट गए। तो शुक्र करता हूँ भगवान का ये गले के डॉक्टर नहीं थे, गले का इलाज कराता, बिल ना देता मेरा गला काट जाता ये लोग। हम इस घर में रहेंगे कैसे? लो जिसने अपनी जवानी के पहले 35 साल फुटपाथ पे गुजारे उसको कितनी टेंशन हो रही है।